बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड्स, आज का व्लॉग है कामरा कैंट सर्विस रोड मॉर्निंग ड्राइव। तो ये दोस्तों कामरा कैंट है, ये इसका कमर्शियल एरिया है और ये कंटोनमेंट एरिया बनता है उज़ैर प्लाजा से। इसकी कमर्शियल मार्केट शुरू हो जाती है और उसके बाद फिर बहुत बड़ा प्लाजा राबी सेंटर है जो कमर्शियल है, जिसमें बहुत सारी शॉप्स हैं। एक्सपोर्ट क्वालिटी चीज़ें आपको इस कामरा में मिलेंगी। एक्चुअल कामरा है क्या, इसकी वजह शोहरत क्या है? कामरा एक गांव है, कामरा कलां, छोटा कामरा, बड़ा कामरा, जो मेरे लेफ़्ट जीटी रोड है। मैं रावलपिंडी साइड से आया हूं, ये लेफ़्ट पे जीटी रोड है और ये कामरा का सर्विस रोड है जिसके ऊपर ये कमर्शियल मार्केट आपको नज़र आ रही है। इसके बैक पर रहायशी मकान है और इस तरह करके ये कामरा कैंट कंटोनमेंट बोर्ड के अंडर आता है। इसकी वजह शोहरत क्या है? पाकिस्तान एयरफोर्स बेस मिनहास, राशिद मिनहास निशान हैदर जो 1971 में शहीद हुए, उनके नाम पर यहाँ पर बेस कायम किया गया जो इस रोड के बिल्कुल पैरेलल है। अटक यहाँ से 16 किलोमीटर है। और फिर दोस्तों दूसरी वजह शोहरत पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स है, हवाबाजी हवाई जहाज़ बनाने की यहाँ पर फैक्ट्रीज़ हैं, उनकी मेंटेनेंस की फैक्ट्रीज़ हैं, रिपेयर की फैक्ट्रीज़ हैं। और इस तरह करके ये कामरा जो कंटोनमेंट का एरिया है, दरअसल ये खेतों पर मुश्तमिल था। इसके साथ इसके बैक पर सैदन गांव है, थोड़ा सा पीछे आप जाएँ तो हज़रो चौक है, वहाँ से हज़रो जो ज़िला अटक का इलाका बनता है उसकी एक तहसील है, वो यहाँ से 8 से 9 किलोमीटर है। और फिर दोस्तों इसके साथ जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स है, उसी के मुलाजमीन जो लोग वो यहाँ पर ख़रीदारी करते हैं, वही लोग इन बाज़ारों की रौनक है। और फिर इसके साथ ये जो आपको मार्केट नज़र आ रही है, बैक के ऊपर बहुत सारे देहात हैं, जतियाल है, और उसके बाद न जाने छह इलाके के 30 से 35 गांव इस कामरा को लगते हैं। और आजकल ये कामरा इस एरिए का कमर्शियल हब बना हुआ है, हज़रों से अटक से लोग यहां पर ख़रीदारी के लिए आते हैं क्योंकि यहां से पेशावर बहुत करीब पड़ता है। थोड़ा सा आगे जाएं तो आपको ये हदूद ख़त्म होने के बाद गोंदल पंजाब का एरिया है वो आएगा, उसके बाद हाजी शाह आएगा और फिर इंडस रिवर आएगा, उसके बाद जहांगीरा, जहांगीरा के बाद नौशहरा और फिर आप पेशावर में इंटर हो जाते हैं। तो ये तकरीबन पाकिस्तान पंजाब का एंड बनता है अटक ज़िले के अंदर। तो ये कामरा का कमर्शियल एरिया है, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े प्लाजे, मार्केट्स, शॉप्स और रहायशी प्रोजेक्ट इसके पीछे बहुत ज़्यादा हैं। KFC ब्रांड भी यहाँ पर है, बेकरीज स्टैंडरेबल यहाँ पर आपको मिलेंगी और जो पेशावर से चीज़ें मिलती हैं वो इस कामरा में पंजाब के अंदर आप लोगों को मिलेंगी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि कामरा की वजह शोहरत PF बेस मिनहास है और फिर पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स है, एयरक्राफ्ट मैनुफैक्चर फैक्ट्री है, 1975 में यहाँ पर कायम हुई। फिर ARF एयरक्राफ्ट रीबेल्ट फैक्ट्री है जो 1972 में यहाँ पर इस्टेब्लिश हुई। फिर मिराज रीबेल्ट फैक्ट्री है जो 1974 में यहाँ पर इस्टेब्लिश हुई। फिर उसके बाद एवनेक्स प्रोडक्शन फैक्ट्री है जो 1989 में यहाँ पर कायम की गई। तो इस तरह से ये पाकिस्तान का एक दिफाई लिहाज से मज़बूत इंडस्ट्रियल टेक्निकली एरोस्पेस के हवाले से इलाका बनता है। वक्त गुजरने के साथ साथ इस कामरा ने बहुत ज़्यादा तरक्की की, यहाँ पर एविएशन सिटी भी बनने जा रहा है, यहाँ पर काम शुरू हो चुका है और फिर एयर यूनिवर्सिटी भी यहाँ पर मौजूद है जहाँ पर लोग तालीम हासिल करते हैं। अटक ज़िला अगर उसकी बात की जाए तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा एजुकेशन का मियार हाई है, बहुत सारे स्कूल, कॉलेजेस, रूट्स, सिटी स्कूल, टेक्निकल कॉलेज,
वोमेन के लिए कॉलेज अटक शहर में मौजूद है। पाकिस्तान का बहुत बड़ा 61 नंबर का ये ज़िला बनता है, जिसकी हदूद खैबर पख्तूनख्वा से लगती है और उधर हसन अब्दाल तक और फिर आपके फतेह जंग तक इसकी हदूद जाती है। तो दोस्तों, ये कामरा का कमर्शियल एरिया है और कामरा बेस इसी के नाम के ऊपर बनाया गया है। यहाँ पर ही पाकिस्तान की फैक्ट्रीज हैं जो आपके आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को टेक्निकली सपोर्ट फ्राहम करती हैं और फिर इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत सारे मुल्कों को वो सपोर्ट करती है। और यहाँ पर जहाज़ साजी का काम किया जाता है, उनकी मेंटेनेंस का काम किया जाता है, उनकी रीबिल्डिंग का काम किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो रडार से मतलब चीज़ें हैं वो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इंडिपेंडेंट है। और यहाँ पर GF-17 जो आपने सुना होगा, फाइटर एयरक्राफ्ट, मल्टी रोल जेट फाइटर, वो भी यहीं पर बनता है चाइना की मदद से। मुशाक एयरक्राफ्ट यहाँ पर बनता है, फिर दोस्तों K-8 ट्रेनर एयरक्राफ्ट यहाँ पर बनता है। तो इस तरह करके ये जो आपको मार्केट नज़र आ रही है, ये यहाँ पर एक बहुत बड़ी मार्केट है जिसके अंदर आपको दुनिया का हर स्टफ मिलेगा। यहाँ पर चीज़ें काफ़ी हद तक मुनासिब हैं क्योंकि ये इलाका ज़रई है, सब्ज़ियाँ वगैरह यहाँ पर बहुत ज़्यादा काश्त होती हैं, फ्रूट अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, पेशावर से यहाँ पर चीज़ें आती हैं और जो रेट पेशावर में होता है उससे कमो बेशी रेट कामरा में आपको मिल जाता है। तो मैंने अपने ब्लॉग का आगाज किया था पिंडी से आते हुए हज़रो चौक से, जहाँ से आप टर्न लेते हैं और वहाँ पर बिस्मिल्लाह पेट्रोल पंप है। अगर आपने कामरा सर्विस रोड पर आना है तो आप वहाँ से नीचे उतर जाएंगे और ये कामरा का कमर्शियल एरिया, यहाँ से फिर आप ये एंड होता है, आप फिर जीटी रोड पर चले जाएंगे। अगर आपने वापस पिंडी जाना है तो यहाँ से आप टर्न ले लेंगे, अगर आपने पेशावर जाना है तो फिर आप सीधा पेशावर चले जाएंगे। तो दोस्तों, कामरा जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि एक देहात है, दो कामरा हैं, एक छोटा कामरा है, एक बड़ा कामरा है, कामरा कलां भी इन्हें कहा जाता है। जो इस रोड के राइट साइड पर ये जो बेस आपको नज़र आ रहा है, इसकी अपोजिट वो देहात हैं, लेकिन ये एरिया भी कामरा कैंट, कामरा कंटोनमेंट के नाम से इसकी पहचान है। और इसकी वजह शोहरत यही है कि पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह हवा साजी के हवाले से एक हब है और पाकिस्तान के दिफा को इस कामरा ने इतना मजबूत किया हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम इसके ऊपर फ़ख्र कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा फैक्ट्रीज़ होने की वजह से, बेस होने की वजह से ये मार्केट बनी है और इसमें लोगों का आप देख सकते हैं कि काफ़ी रश होता है। अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो ये मॉर्निंग मेरी ड्राइव थ्रू है इस कामरा कमर्शियल एरिया के अंदर। लेकिन जब 3-3:30 बजे या असर के बाद आप यहाँ पर आएँ तो आपको इतना ज़्यादा रश मिलेगा कि आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा मुझे काम था, मैं इस सर्वर रोड से हटकर बैक साइड पर गया, तो ये कामरा कैंट का बैक साइड का एरिया बनता है जहाँ पर मुख्तलिफ शापें हैं, हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है, बड़े बड़े प्लाजे यहाँ पर बन चुके हैं, अंडर प्रोसेस हैं, बन रहे हैं, कारोबारी सरगर्मियाँ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। और हर लिहाज से ये कामरा ना तो कोई शहर है, ना कोई बड़ा सिटी है, एक कंटोनमेंट का एरिया है। ये सब्ज़ मंडी है जो कामरा सर्विस रोड के बैक पर बनाई गई है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह इलाका छछ जो हज़रों का इलाका है, साथ ही फिर 45-50 किलोमीटर तरबेला डैम है और उसका इलाका है अल्हम्दुलिल्लाह ज़रखेज़ इलाका है, सब्ज़ी फ्रूट मछली हर चीज़ यहाँ पर वाफर मकदार में मौजूद है, आपको मिलेगी। और कंस्ट्रक्शन इतनी ज़्यादा मिलेगी कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि कामरा अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त
तरक्की की राह पर गामजन है और नित नए नए डिज़ाइन के घर, मार्केट्स, प्लाजे, शॉप्स यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन अक्सर रहती हैं। कुछ कंप्लीट हो गई हैं और कुछ अंडर प्रोसेस है। इसी तरह अगर मैं थोड़ा सा और इस कमर्शियल एरिए के साइड पर जाता तो वहाँ पर भी आपको अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े घर नज़र आते, लेकिन उस तरफ मैं अभी गया नहीं। उसके बाद फिर मैं आऊँगा अल्हम्दुलिल्लाह जीटी रोड पर और फिर हज़रों से जो रोड आता है हटिया की तरफ, वहाँ से मैं आपको थोड़ा सा इस कामरा के बारे में ब्रीफ करूँगा। तो ये दोस्तों कामरा है जीटी रोड के ऊपर, कंटोनमेंट एरिए का इलाका बनता है। उसके सर्विस रोड का ये बैक व्यू है, सामने आपको जीटी रोड नज़र आ रहा है। अब मेरी कोशिश होगी कि मैं जीटी रोड पर जाऊं और फिर मैं दोबारा हटिया से, जो आप पिंडी से आते हुए सर्विस रोड के लिए उतरते हो, उस रास्ते पर आऊं और मैं फिर थोड़ा सा आपको कामरा के बारे में मज़ीद मालूमात दे सकूं। यहां पर दोस्तों कमर्शियल प्रॉपर्टी की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, हाउसिंग प्रोजेक्ट भी यहाँ पर बहुत है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि एविएशन सिटी है जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने लॉन्च की है, वो भी इसी जीटी रोड के साथ है। हटिया से आगे गाजी ब्रोथा एक नहर आती है, वहाँ से उसका रास्ता जाता है जो अटक और जीटी रोड के दरमियान पड़ता है। बहुत बड़ी हाउसिंग सोसाइटी है। उसके बाद फिर गुलबर्ग टाउन है, फिर कामरा की अनप्लान्ड रिहायशी स्कीमें हैं जिस कमर्शियल मार्केट के बैक साइड पर हैं। वहाँ पर भी लोग ज़मीन ख़रीदते हैं और अपने घर बनाते हैं। तो अब दोस्तों मैं हटिया की तरफ आ गया हूँ, तो अब मैंने हटिया से नीचे उतरना है कामरा सर्विस रोड के ऊपर। तो ये मेरे बैग पर, मैं पिंडी साइड से आ रहा हूँ, हटिया का चौक था और उसके साथ अब मेरे राइट साइड पर कामरा सर्विस रोड और लेफ्ट साइड पर पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स और पीएफ बेस मिनहास, अटक एविएशन सिटी, ये सारे प्रोजेक्ट मेरे लेफ्ट साइड पर आए। और मेरे सामने पेशावर है और जैसा मैंने पहले आपको बताया कि कामरा के फौरन बाद गोंदल, फिर आजिशा, फिर जहांगीरा, नौशहरा से होते हुए आप पेशावर इंटर हो जाएंगे। तो ये मैं हटिया से सर्विस रोड के ऊपर आ गया हूँ। साथ ही इसके ये पेट्रोल पंप था बिस्मिल्ला सीएनजी, जो आजकल बंद पड़ा है। और ये वापटा ग्रिड है, स्टेशन है, वापटा की कॉलोनी है यहाँ पर और उनके दफातर हैं। और फिर मोटरवे ट्रैफिक पुलिस का ऑफिस भी यहीं पर है। और साथ ही फिर ये जो रास्ता आपको नज़र आ रहा है, ये साथ ही अटैच कामरा रहायशी आबादी के जतियाल गाँव है उसको जाता है। और साथ ही इसके अटैच सैदन है। और फिर दोस्तों ये जो चौक के बाद का एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये रेड राइट साइड पर दीवार है जहाँ पर ये ट्रैक्टर जा रहा है, ये फिशरी फार्म है, बहुत बड़ा फिशरी फार्म है इस ज़िला अटक में। यहाँ पर फिशरी को प्रमोट करने के लिए छोटी मछलियाँ बड़ी सस्ती गवर्नमेंट फार्मर्स को जो फिशरी फार्म बनाना चाहें प्रोवाइड करती है। यहाँ से लोग मछलियाँ लेकर अपने डैम्स वगैरह, तालाब वगैरह बनाते हैं और वहाँ पर उनकी परवरिश करते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि दरियाए काबल और दरियाए सिंध और फिर तरबेला डैम और फिर जब्बी डैम और फिर उसके बाद दोस्तों बहुत सारे यहाँ पर इस इलाके में डैम्स हैं, किबला बाडी डैम है, वहाँ से ये फ्रेश मछली आती है और ये लोग फिर रोड के किनारे बैठकर इस मछली को फरोख्त करते हैं। बड़ी ही चीप मछली आपको यहाँ पर मिलेगी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि कामरा ना तो कोई डिस्ट्रिक्ट है, ना कोई तहसील है, ना कोई इतना बड़ा शहर है, लेकिन इसकी वजह शोहरत पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स है जो इसकी राइट साइड पर है। बहुत बड़ा पाकिस्तान का दिफाई लिहाज से एक हब है और इसके ये राइट साइड पर कामरा की मार्केट आती है, कंटोनमेंट बोर्ड आता है और उसके ये प्लाजा और उसकी शॉप्स वगैरह आती हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। टेक केयर, बी हैप्पी, गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। आमीन सुम आमीन।